वेलकम टू एंग्री कोडर्स। इस वीडियो में हम हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम करते हैं वेब पैक पर। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं और इसका नाम देते हैं 1.hello world। तो मैं जो भी इसमें काम करूँगा वो 1.2. जो भी टॉपिक होगा उसको इस तरह लिखूँगा। और इसमें हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। और मैं उसका बल्कि पहले एक फोल्डर बनाता हूँ src का। तो जो हम ये हम करेंगे तो इंडेक्स की जो भी फाइल हमने बनानी होगी html की js की, तो हम src के अंदर बनाएंगे। और src में जाके हम एक फाइल बनाते हैं और इसमें हम करते हैं index.html। तो हम लिखते हैं इधर html 5 लिखते हैं और ये हमारा खुद ही आ जाएगा इस तरह। और इसके बाद बॉडी में हम लिखते हैं h1, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं वेलकम टू वेबपैक कोर्स, ठीक है। इसको हम देते हैं एक, ठीक है। पहले हम बल्कि चेक करते हैं, इसके बाद हम बाकी काम करते हैं कि हमारा ये सही चल रहा है। और इसको हम करते हैं ओपन कंटेनिंग फोल्डर और यहाँ से हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा वेलकम टू वेबपैक कोर्स। और इसके बाद हम एक js की फाइल बनाते हैं, ओपन करते हैं यहाँ से हम करते हैं न्यू फाइल index.js। और इधर हम एक बटन भी कर देते हैं, हम करते हैं ऐसा कि हम बटन दबाएं तो हेलो वर्ल्ड आ जाए। उसके लिए हम करते हैं बटन और इसको हम नाम देते हैं क्लिक मी का। और बस हम इतना ही करते हैं और js की फाइल में जाते हैं। यहाँ से हम const बटन क्लिक इज इक्वल टू, हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें हम देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब जो भी हमने आईडी दी थी इसको, ठीक है। इसको हमने आईडी नहीं दी तो हम इसको आईडी दे देते हैं। आईडी इज इक्वल टू हम इसको देते हैं हेडर। और इसके बाद जाते हैं इसमें और यहाँ पे हम लिखते हैं हेडर डॉट इनर html इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। इसको कंट्रोल एस करते हैं और ये हमने लिख दिया, ठीक है। बटन क्लिक जो है हमें वो मैं सिंपल इसको करते हैं ऑन क्लिक और इसको हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट में और बटन क्लिक। और हमें स्क्रिप्ट देनी होगी फाइल, अभी हम सिंपल कर रहे हैं बिल्कुल, अभी हम वेबपैक को यूज़ नहीं कर रहे। src और यहाँ पर हम देते हैं index.js, ठीक है। और यहाँ से हम देख लेते हैं हमारी फाइल सारी सेव, ऑल करते हैं इसको। और इसी को हमने जो चलाया था इसको रिफ्रेश करते हैं, क्लिक में करते हैं और अभी कुछ लिखा नहीं आ रहा, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम दोबारा देखते हैं, हमारा सिंपल सा एक एरर था कि हमने ये ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पर। अब हमारा कोड सही रन करेगा। इसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखें हेलो वर्ल्ड आ गया। ये तो हमने बहुत बेसिक html के साथ जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो हमने किया है। तो इसमें अब मसला क्या होता है, अगर index.js में कोई भी आपके ज़्यादा सारे फंक्शन हैं तो वो सारे कॉल हो जाएंगे इसे। तो वेब पैक क्या करेगा, वेब पैक इन्वोक करता है, मतलब अगर कोई इस तरह बहुत ज़्यादा फंक्शन है जो उसको यूज़ करने हैं वही करेगा।
वो बाकियों को इनवोक कर देता है, जैसे आपको भी मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट वगैरह। तो इसमें हम पहले वेब पैक को अप करते हैं, वेब पैक के लिए हम टर्मिनल ओपन करते हैं अपना, और इसमें हम इंस्टॉल करते हैं वेब पैक के पैकेज npm इंस्टॉल वेब पैक और वेब पैक CLI, ये दो पैकेज हमें चाहिए, और हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बल्कि हमने गलत इंस्टॉल किया, हमने गलत जगह पे इसको गा रहे हैं, हमें जाना चाहिए CD1 और यहाँ पर हम करते हैं, और हमने इनिशलाइज भी करना था इसको, तो वो भी हम कर लेते हैं। चलिए पहले पैकेज इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, हमारा पैकेज डॉट जेसन भी आ गया। हम इसी को हम npm init dash y कर देते हैं, और हमने इसको डिपेंडेंसीज में भेज दिया, डेव हम इसको वेब डेव डिपेंडेंसीज में भेज देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सेव डेव, ये डेव में आ जाएगा। ठीक है, ये डेव पर सेव हो गया, वहाँ से चले गए डिपेंडेंसी से डेव में आ गया, और इसको हम क्रॉस करते हैं, और हम वेब पैक की फाइल को अब कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको भी हम डाउन कर देते हैं और न्यू फाइल करते हैं, और हमें लिखना होगा वेब पैक डॉट कॉन्फ़िग डॉट js। तो हमने इसके स्पेलिंग गलत लिखे है, इसका लोगो भी नहीं आया, वेब पैक, मेरा कीबोर्ड मिसिंग कर रहा है असल में, वेब पैक डॉट कॉन्फ़िग डॉट js। और इसके बाद हम फाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें फाइल को डिस्क में भेजनी है, डिस्क नाम का एक फोल्डर होगा उसमें हमें भेजनी है, तो हमें इसको एंट्री हमने एक लिखना होगा एंट्री, और इसमें जो हमारी मेन फाइल है वो हम उसका नाम देंगे, src में है, और उसमें हमने इंडेक्स डॉट जे एक्स को लिख देना है जो हमारी मेन फाइल है, और उसके बाद आउटपुट, आउटपुट हमारी क्या होगी, आउटपुट हमारी फाइल नेम आप बंडल डॉट जे एस, मेन डॉट जे एस, ये दो नाम यूज़ होते हैं, आप दे सकते हैं, तो मोस्टली बंडल डॉट जे एस ही हम यूज़ करेंगे, बंडल डॉट जे एस। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, फाइल नेम बंडल डॉट जे एस, और पाथ पाथ डॉट रिजॉल्व, मतलब ये फाइल बना देगा, और डी आई आर नेम लिखेंगे हम यहाँ पर, डी आई आर नेम मतलब जिस पोजीशन में अभी हम हैं, यहाँ से डिस्क नाम के हम बना लेते हैं, डिस्क नाम डिस्क दे दिया हमने। ठीक है, और हमने जो पाथ दिया है इसके लिए हमने कौन सा पाथ भी हमें चाहिए था, ये खुद ही आ गया। ठीक है, ये भी हमें रिक्वायर होता है पैकेज, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, और हम पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं। अब और यहाँ पर जो ये टेस्ट लिखा हुआ है इसको हम मिटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पर हम लिखते हैं बिल्ड, हमने फाइल को बिल्ड करना है तो हम बिल्ड ही नाम देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन बिल्ड मोस्टली बिल्ड नाम दिया जाता है, तो जो नाम दिया जाता है वही नाम देंगे, वेब पैक, और हमने कॉन्फ़िग करनी है, आप खाली वेब पैक भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट इसको उठा लेगा, लेकिन हम इसको पूरा नाम देंगे, जैसे अगर हमने वेब पैक डॉट कॉन्फ़िग डॉट जे एस का फाइल का नाम चेंज किया है, तो आप उसको इस तरह भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अभी तो हमने वही नाम दिया है और वही अच्छा लगता है, और ये हमने इसको नाम दे दिया, इसको कंट्रोल एस करते हैं,
और इसको एक बार हम करते हैं एन पी एम रन बिल्ड। ठीक है, अभी हमारा कह रहा है कि मूड आपने नहीं लिखाया, मूड हैज़ नॉट बीन सेट। ठीक है, ये हम सेट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये डिस्क में बंडल डॉट जे एस की जो फाइल है जिसने बनाई है वो हम देख लेते हैं। चलो हम मूड दे लेते हैं इसको, ये इसलिए फाइल नहीं दिखा रहा, वैसे अगर ये फाइल दिखाता है तो इसमें जो कोड हमारा आएगा वो सही नहीं आता, मतलब उसको आप रीड नहीं कर सकते, बहुत अजीब तरीके से लिखा होता है। तो हम इसको मूड दे देते हैं, मूड के बाद वो सही रीड के काबिल हो जाता है। मूड डेवलपमेंट हम डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में हम कर देते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा से रन करते हैं। अब देखें इसने हमारी बंडल डॉट जे एस की फाइल बना दी है और ये सारा इसमें आ रहा है, ये हमारा जो बटन क्लिक है ये भी आ रहा है। ठीक है, और ये सारा हमारा इसमें आ रहा है, लेकिन इसने इसमें क्या किया है, इसने इसको इन्वोक कर दिया, मतलब ये देखें इसने फंक्शन क्या कर दिया, इन्वोक कर दिया, मतलब ये हमारा रन ही नहीं होगा, अब ये हमारा फंक्शन नहीं चलेगा, जो भी डॉट जे एस में हमारा था तो वो अब नहीं चलेगा इसमें इस तरह। अभी देखें हमने जो इसको दोबारा से करता हूँ, अब क्लिक में कर तो ये अभी इसने उसने वहाँ से उठाया नहीं है, तो मैं इसको एक बार दोबारा वहाँ से उठाता हूँ डिस्क के फोल्डर से, डिस्क में हमने जो इसको किया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने असल में इसका जो अभी ये फाइल यहाँ से उठा रहा है, ठीक है, अभी हमने बंडल डॉट जे एस का इसको एस आर सी में नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं इसको बंडल डॉट जे एस में लिंक नहीं हमने दिया, हमने लिंक अभी उसका दिया हुआ है, तो हम इसको लिंक दे लेते हैं डिस्ट और बंडल डॉट जे एस। ठीक है, अब ये नहीं उठाएगा, इसको कंट्रोल सेव करते हैं और अब दोबारा से करते हैं लोड, और अब नहीं करेगा क्योंकि अभी वो इनवोक का फंक्शन कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये कोई फंक्शन भी इसमें है, मतलब बटन क्लिक का कोई फंक्शन है इसमें, इसीलिए ये नहीं उठा रहा। तो इस इश्यू को हम फिक्स करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बटन को एक हमने बटन को भी एक आईडी दी हुई है, आईडी इज इक्वल टू बटन। ठीक है, आईडी इज इक्वल टू बटन, और मैंने टाइटल भी दे दिया था हेलो वर्ल्ड का, ये आप दे सकते हैं आपकी मर्जी है। और इसमें हम अब क्या करते हैं, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये फाइल हमें नहीं चाहिए, डॉट जेसन की फाइल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस की हमें फाइल चाहिए, और बंडल को भी हम फिलहाल क्रॉस कर देते हैं। आईडी मैंने इसको दे दिया बटन। ठीक है, और इसमें हमने ये फंक्शन जो चलाया था इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब डॉक्यूमेंट हमने जो आईडी से हम उसके ज़रिए उसको बटन को क्लिकेबल बनाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो हमने पहले लिखा था वही लिखे के हेडर, बट क्या हमें बटन का करना है। ठीक है, पहले हम बटन से क्लिकेबल बनाएंगे फिर हम हेडर को कॉल करेंगे, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, जो ऑन क्लिक में जो हो रहा होता है वो पीछे एड इवेंट लिसनर का होता है फंक्शन, एड इवेंट लिसनर, और इसको हम क्लिक एबल बनाते हैं, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, अब दूसरा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि अब एरो फंक्शन यूज़ होता है तो इसलिए एरो फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट मतलब जो भी हमने इधर लिखा था वही मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल जी करता हूँ, मतलब जो बटन से हम क्लिक करेंगे और तब ये चेंज हो जाएगा,
इसको हम सेव ऑल करते हैं और इसको दोबारा से हम रन करते हैं, npm रन बिल्ड करते हैं। अब देखें, अब यह रन हो जाएगा। अब इसमें जाते हैं और इसको क्लिक में करते हैं, अभी भी ये रन नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको लिंक हम दे दिया है। ठीक है, id इज इक्वल टू बटन हमने दिया हुआ है। इसको दोबारा रन करते हैं एक बार। ये देखें, अब कर लिया। ठीक है, वो हमारी फाइल सेव नहीं हुई थी, हमारी फाइल सेव नहीं हुई थी इसलिए इसने नहीं उठाई थी, अब उसने उठा ली। अब बंडल डॉट जेएस में जाते हैं, देखें यहाँ पर अब id के ज़रिए उठा रहे हैं। ठीक है, इनवोक फंक्शन के जो है वो तो नहीं चलेगा, लेकिन जो id है उसके ज़रिए वो उठा रहे हैं। तो इसको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है या हमने ज़्यादा इसको देखना नहीं है, लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखकर हम ख़त्म कर दें इसको, कंट्रोल एस करते हैं दोबारा से। देखिए, जो हमने ऑन के लिए कह रहा था इसमें, वो हमने मिटाया है यहाँ से, इंडेक्स डॉट जो ऐसे भी फंक्शन मिटाया है, कमेंट क्योंकि वो शो कर रहा था तो, लेकिन वो कर तो कमेंट में शो हो रहा था लेकिन वो कंफ्यूजन हो रही थी तो उसका हमने मिटाया। तो अब उसने हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी के ज़रिए हमें दिखाया। इसको दोबारा, इसको जो भी कम ने किया था उसको दोबारा मैं वापस ले आता हूँ, ताकि अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो, देखना हो डिफरेंट, तो आप देख सकते हैं। कम कंट्रोल सेव ऑल करते हैं और इसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं।